तो अब हम करने जा रहे हैं प्रश्नावली 3.6 का प्रश्न नंबर 2 और उसका भाग नंबर 1। प्रश्न है, ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है और धारा के प्रतिकूल 2 घंटे में 4 किलोमीटर तैर सकती है। उसकी स्थिर जर्म में तैरने की चाल तथा धारा की चाल ज्ञात कीजिए। तो स्थिर जल में तैरने की चाल को यदि हम मान लें x किलोमीटर प्रति घंटा तथा धारा की चाल को यदि मान लें y किलोमीटर प्रति घंटा, तो हमारे पास सूत्र होता है चाल बराबर दूरी बटा समय। तो यहाँ से हम दूरी निकालेंगे, दूरी बराबर हो गया चाल गुणा समय। ये सूत्र हम उपयोग में लाएंगे। अब यदि हम एक स्थिति लें कि धारा की दिशा में अर्थात धारा के अनुकूल क्या स्थिति बनेगी, जैसे ऋतु की चाल है इस प्रकार और धारा की भी चाल है इस प्रकार, तो धारा ऋतु को योगदान दे रही है चाल बढ़ाने में, तो ऋतु की चाल हो जाएगी धारा की दिशा में, धारा की दिशा में चाल हो जाएगी x प्लस y किलोमीटर प्रति घंटा, दोनों धाराएं और ऋतु की चाल जुड़ जाएगी क्योंकि धारा जो है ऋतु को सपोर्ट कर रही है, तो और चाल बढ़ेगी। ठीक है, अब चाल हो गई धारा की दिशा में x प्लस y और समय दिया हुआ 2 घंटे, तो दूरी निकाल सकते हम, दूरी बराबर हो गया चाल, चाल हो गई x प्लस y गुणा समय, समय हो गया 2 घंटे और कुल दूरी दी हुई है 20 किलोमीटर। तो इस समीकरण को यदि 2 से विभाजित कर दें, 2/2, 2 से 2 गया, 2 जाए 20, तो इस समीकरण आ गई x प्लस y बराबर 10। ये हमने तब बनाई जब धारा के अनुकूल अर्थात धारा की दिशा में चाल हो। अब अगली स्थिति, धारा के विपरीत दिशा में 2 घंटे में 4 किलोमीटर तैर सकती है। इसका अर्थ हुआ कि ऋतु की दिशा ये और धारा की दिशा ये, तो अब धारा ऋतु का विरोध कर रही है तो ऋतु की चाल जो होगी वो कम हो जाएगी, तो धारा के विरुद्ध ऋतु की चाल कम हो जाएगी, ये हो जाएगी x माइनस y किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, अब दूरी निकालते हैं इसी स्थिति में, दूरी कितनी तय की ऋतु ने, दूरी होती है चाल गुणा समय, समय कितना है, समय है 2 घंटे में 4 किलोमीटर, तो समय हो गया 2, तो 2 घंटे और कुल कितनी दूरी तय कर रहे हैं, 2 घंटे में 4 किलोमीटर तैर रहे हैं, तो 4 हो गया। इस भी समीकरण को 2 से विभाजित करेंगे, 2 से विभाजित, 2 से 2 गया, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो ये समीकरण बन गई x माइनस y बराबर 2। ये समीकरण 2 और ये समीकरण 1, इस समीकरण को इसके नीचे लिख देते हैं। विलोपन विधि लगाते हैं, वाई वाई कट गया जुड़ गई, 2x बराबर 12 आ गया, x बराबर 12/2, तो ये हो गया 6 किलोमीटर प्रति घंटा। अब x का मान इस समीकरण में यदि रख दें तो ये हो गया 6 प्लस वाई बराबर 10, 6 प्लस y बराबर 10, तो y बराबर 10 माइनस 6, 4 किलोमीटर प्रति घंटा। तो अर्थात ऋतु की चाल हो गई 6 किलोमीटर प्रति घंटा और धारा की चाल हो गई 4 किलोमीटर प्रति घंटा।